आज हवा तेज है ना, तो इसे कंट्रोल नहीं होगा। ये देखें, इसे बिठा ही लेते हैं छत पे, इसने कहीं पे गिर जाना है, हवा बहुत तेज है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज की रूटीन का आगाज करते हैं जी। सबसे पहले इनके काम देखते हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं। ये पाले तो मैंने खुद है, लेकिन मेरे से काफ़ी डरते हैं, टेम नहीं किया इन्हें मैंने, और अभी मेरे अंदाजे से दोनों शायद फीमेल हैं। तो चलें ये देखें, छोटू गैंग के अंदर आया हुआ है। चलो भाई, चलो भाई, बजीज ने बच्चे निकाले हुए हैं, लेकिन अभी मैंने देखा नहीं दोबारा कितने निकाले हैं। और इस वाली फीमेल की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसके लिए अभी मेडिसिन लेने भी जाना है मैंने। तो पहले चेक करते हैं बजीज ने कितने बच्चे निकाले हैं। और तो ये जी एक ही बच्चा निकाला है इन्होंने, पता नहीं क्यों एक बच्चा निकाला है, दूसरे जो हैं अंडे मैंने चेक तो नहीं किए थे। तो चलें कोई नहीं, इधर आ गए जी हमारे टीटू मिठू। ये देखें जी, इनके मेरा दिल है पर काट दें, क्योंकि इन्हें मैं बाहर अभी नहीं निकाल सकता। नीचे थे तो इन्हें मैं बाहर निकालता था, पूरा पूरा दिन खुले रहते थे ये, तो अभी जब से ऊपर हैं तो इन्हें खोलता नहीं हूँ मैं। तो आपने मुझे बताना है कि मैं इनके पर काटूँ या नहीं। सिम्बा सिम्बा, जब से इधर ऊपर है ना, ये परेशान परेशान रहते हैं। आप थोड़े से बोलना भी इन्होंने कम कर दिया, चीटू बहुत ज़्यादा बोलता था और इसने भी छोड़ दिया है। और इसे देखें, इनका तो अभी थोड़े दिन तक मैं बॉक्स भी लगा दूंगा। और इसे देखें, ये भी पहले खुली रहती थी कोको, अभी इसे भी मैं नहीं खोलता, और ये बाइट भी करने लग गई। अब मुर्गों के लिए मैंने दाना बनवाया है नया, तो डाल के चेक करते हैं ये पसंद करते हैं या नहीं। राजा को तो पसंद आ रहा है, लेकिन ये बाकियों को भी साथ बुला रहा है खाने के लिए, छोटी वाली मुर्गियों को। ये देखें कितनी कितनी हैं, और उसे देखें कितना बड़ा वो। अभी चूज़ों को खोलते हैं, अपने साथ खोलते हैं रानी को, ये भी भूखे हुए हुए होंगे। ज़ॉम्बीज़ को भी नहीं खोलते, फिर रानी जो है ज़ॉम्बीज़ को मारती है। और ये वाली मुर्गी भी उठी है अंडों से, तीन अंडे पूरे नहीं हैं, पूरे हैं बल्कि। ये जब भी उठती है ना तो एक आधा अंडा ये जो है नीचे गिरा देती है। इसके नीचे मैंने 9 अंडे रखे थे, अब इसके नीचे 3 अंडे रह गए हैं। तो इन्हें भी डाल के देखते हैं वो दाना, इन्हें पसंद आता है कि नहीं। ये दाना है जी, और अभी देखते हैं ये पसंद करते हैं या नहीं। अभी ये खुले हुए हैं, तो साथ इनके राजा को खोल देते हैं। इसके काम देखें, इसे खोला किस लिए, ये इधर जो है अंदर दूसरी मुर्गियों के पास आ गया। ये देखें, इसे भी बाहर निकालता हूँ मैं, अपनी फैमिली के पास जाए, अपने बच्चों के पास जाए, वो जो खड़े हुए हैं इंतज़ार कर रहे हैं इसका। ये अब मारता भी नहीं है बच्चों को, ये इसे मैं केज में भी करता हूँ, तो देखिएगा अब ये बच्चों को मारता नहीं है। ये जी फैमिली कंप्लीट हो गई है, राजा रानी और उनके बच्चे। अभी चलते हैं ऊपर, कबूतरों को भी खोलते हैं आज। अच्छा जी, रात को बारिश हुई है, लेकिन जो है मौसम अभी भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, हवा तो चल रही है, लेकिन परिंदे देखें सारे अंदर ही हैं। ये एक बाहर बैठा हुआ हमारा फौजी, इसे बाहर निकालते हैं और इसे खुला छोड़ के ना नीचे चले जाते हैं, क्योंकि इसके पार पूरे हैं, बाकी किसी को खोलूँगा तो उसे बिल्ली पार सकती है। तो अभी इसे निकालते हैं, चलो जी। आज तो इसने छत पे पैर ही नहीं रखा, वो जा रहा सीधा उधर, बैठ ही ना जाए। ये देखें उधर बैठने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन बैठेगा नहीं, इतना पता है मुझे। अब घर का पक्का हो गया ये। उधर असल में और कबूतर भी बैठे हुए हैं ना, तो इसलिए उधर चला गया वो। अभी जी इन सब के दाने का टाइम है और हवा बहुत तेज़ चल रही है। ये देखें आप, हवा बहुत तेज़ है। अभी मौसम पहले तो बहुत ख़राब था, कल रात में बारिश हुई है और आज अभी दिन में धूप थी, लेकिन अभी जो है मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। इसको देखें कैसे बैठी हुई है। इसको भी अभी निकालते हैं दाने के लिए। इधर से ब्रावो को निकालते हैं। ब्रावो की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इस वजह से ये बाहर नहीं आ रहा। इसे अभी निकालते हैं, ये तो खुद ही आ जाएगा। और इसका भी हम नाम रखेंगे बहुत जल्द। अभी चलते हैं ऊपर वाले परिंदों को दाना डालते हैं। ये इसने तो दाना सारा नीचे गिरा दिया, ये अब यहाँ से खाता रहेगा खुद ही। ये जी इसे मैंने बाहर ही निकाला हुआ था। दो कबूतर ये उड़े हैं और बाकी वो मस्जिद की छत पे बैठे हुए हैं, और एक अभी यहाँ पे उड़ा था। आज हवा तेज़ है ना, तो इसे कंट्रोल नहीं होगा। ये देखें, इसे बिठा ही लेते हैं छत पे, इसने कहीं पे गिर जाना है, हवा बहुत तेज़ है। ये एक और कबूतर आया किसी का, तीन कबूतर हैं। तो अभी दाना डालते हैं सब कबूतरों को, इन्हें निकालते हैं बाहर। दाना इनका मेरे हाथ में है और मस्जिद की छत पे कबूतर बैठा हुआ है, वो कोशिश करते हैं आज पकड़ने की। अभी दाना वगैरह डालते हैं। ये जी अपना कबूतर बैठा हुआ है, इससे पीछे वो टैंकी पे किसी का कबूतर बैठा हुआ है, जो भी उधर पीछे उड़ के बैठा था मस्जिद की छत पे। तो दाना वगैरह मैंने डाला अपने कबूतरों को, अभी देखते हैं अगर आता है तो इसे पकड़ेंगे। इधर थोड़ा सा दाना पड़ा हुआ है, ये दोनों जो है इसे ख़राब कर रहे हैं। थोड़ा सा दाना रखते हैं, अगर वो आया तो उसे डालेंगे। अच्छा जी वो तो नहीं आया, अभी काफ़ी देर हो गया उसके इंतज़ार में बैठा हूँ। कबूतर मेरे जो हैं इन्होंने दाना खा लिया हुआ है, अपनी अपनी जगह पे जाने के लिए बैठे हैं। आगे से इनका रास्ता मैंने बंद किया हुआ है, वो अंदर एक कबूतर आया है। अभी ये सारे अंदर जा रहे हैं, दाना वगैरह इन्होंने खा लिया। अब वो आ भी जाता तो ये बाहर नहीं आएंगे, और जब तक मैं इन्हें निकालूँगा वो फिर भाग जाएगा। तो अभी बस थोड़ी देर और इन्हें देखते हैं, फिर इन सबको बंद करके चलते हैं नीचे। नीचे भी सारे परिंदे खुले हुए हैं। ये ज़ोंबी जी अभी मेरे पास फिर रहे हैं, और ये क्यों फिर रहे हैं, मुर्गियों ने इन्हें खाना नहीं खाने दिया। और ये अब कालिया मारे ना इसे, ये देखें मुर्गियों ने इन्हें खाना नहीं खाने दिया। किसने नहीं खाने दिया, ये रानी ने। तो अब जो है ये अपना दाना वगैरह खा लेंगे, और कालिया भी जो है खा लेगा। ये फिर डरने लग गया मुर्गे से, पहले इसका डर निकल गया था, अभी फिर ही डरता है। और उसे देखें इसकी तबीयत आज में कुछ ज़्यादा ख़राब लग रही है। इसे मैं मेडिसिन दे रहा हूँ लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं ठीक हो रहा। ये बचपन में भी बीमार हो गया था, और अभी भी आया था छोटा ही, लेकिन जब कुछ दिनों का था तब ये बीमार था, फिर खुद ही ठीक हो गया था, लेकिन अब ये जो है मेडिसिन के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा। अभी जी दाना वगैरह तो सबका हो गया, तो अभी सबको बंद करते हैं और आज ही वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट लाजमी करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।